तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। देखिए, ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत इजी बना देता है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को, हालांकि डायरेक्ट रिजल्ट भी कई बार याद कर लेते हैं हम लोग। बेसिकली इट्स अ रिलेशन बिटवीन जो हम पढ़ने वाले हैं, इट्स अ रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल जो हम पढ़ने वाले हैं, प्लेन एंड सॉलिड एंगल। अब बात ये आती है, प्लेन एंगल तो हमें पता है किसी भी दो सरफेस के बीच में बनने वाला ये एंगल, ये प्लेन एंगल है थीटा। ये आर्क लेंथ हम लोगों ने देखी है, बहुत बार यूज किया है। ये रेडियस आर मान लू अगर मैं, ये एक्स मान लू आर्क लेंथ, तो इट्स अ रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, दिस इज इक्वल टू आर्क इक्वल टू थीटा इनटू आर। तो हम लोग इजीली प्लेन एंगल तो हम लोगों ने पढ़ा है, और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, रेडियन, यूनिट रेडियन होती है। चलिए, अब जो ये सॉलिड एंगल जो बेसिकली एक साथ 3D एंगल, थ्री डी एंगल कैसे बनता है, सिंपल सी बात करो। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने ढंग से देखी है कैरेट की शेप, तो कैरेट की शेप या मूली की शेप अगर आप लोगों ने देखी है तो वो कुछ ऐसी सी होती है, नीचे से पतली होती है, ऊपर चलते चलते मोटी होती है, ऐसे कुछ। ये भी बेसिकली एक सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अभी आई टेल यू सॉलिड एंगल क्या होते हैं। जो बर्थडे पे वो हैट पहनते, कैप पहनते, दैट पर्टिकुलर कैप इज आल्सो अ सॉलिड एंगल, ये वाली। आप लोगों ने कभी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा होगा सिरिंज जो होती है, उसमें जब आप लोग प्रेशर लगाते हो या पिचकारी जब प्रेशर लगाते हो, जो पानी का फ्लो होता है, पानी बाहर निकलता है, वो भी समा वैसे ही निकलता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंगल। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल जो हम बात करते हैं। नाउ बेसिकली सॉलिड एंगल होता क्या है, इट्स अ 3D एंगल। तो रियलिटी में अगर आप कोन ले लो बच्चों, जो आप आइसक्रीम खाते हो कोन शेप में, दैट इज आल्सो 3D एंगल। तो जो ये एंगल सस्टेन होते हैं ना बच्चों, ये एंगल, दिस एंगल इज बेसिकली 3D एंगल, दिस इज 3D एंगल जो ये एंगल बनने वाला है। अगर आप लोगों ने कोन देखी है तो कोन के अंदर झांक के देखो तो जो वो एंगल बनने वाला है ना, दैट इज 3D एंगल। और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज टी रेडियन। याद करो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ी थी, दो रेडियन एंड टी रेडियन। तो रेडियन को प्लेन एंगल अभी तक पढ़ते आए और सॉलिड एंगल आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सॉलिड एंगल बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय ओम, सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ओम। और एक चीज और बच्चों, इसके ये जो एक्सिस है ना ये वाली, इससे जो ये एंगल होता है, दिस इज सेमी वर्टेक्स एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल। थीटा रिप्रेजेंट कर दो आप, थीटा या अल्फा मान लो, अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल। इसी को कई किताबों में हाफ एंगल के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, हाफ एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल या हाफ एंगल। चलिए, नाउ इट्स अ रिलेशन बिटवीन ओम एंड अल्फा। तो ओम एंड अल्फा का प्रूफ अभी हम करेंगे। डायरेक्ट रिलेशन याद करो, 2π 1 - cos of alpha, this is solid angle, it's a relation between solid angle। अब ये relation आपको याद होना चाहिए, proof I and I, ये relation आपको याद होना चाहिए, but proof अभी करा देता हूँ। solid angle और ये semi vertical angle। अब बात आती है 3D एंगल बनता कैसे। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कैसी भी शेप ले लो आप, कैसी भी शेप, कोई भी शेप ले लो, इट मे बी आर रिंग, मे बी आर डिस्क, मे बी एनी आर्बिट्रेरी शेप, एनी आर्बिट्रेरी शेप। हमें इस पॉइंट पर अगर इसका सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है, P पॉइंट पर, तो क्या करो बच्चों, इसके पेरिफेरी बेसिकली आउटर लाइन, इसकी आउटर लाइन से हर एक पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दो, हर एक पेरिफेरी से हर एक पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर दो। तो अब आपको समझ में आ गया, तो जो ये एंगल बनने वाला है ना, ये एंगल, दिस इज योर 3D एंगल। सिमिलरली यहाँ पर भी बना लो, हर एक पेरिफेरी से हर एक पॉइंट को कनेक्ट कर दो,
जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है। सिमिलरली यहां से निकालना चाहते हो कि कोई भी शेप हो बच्चों हम उससे क्या मतलब, तो ये एंगल दिस इज योर 3D एंगल,